तो देखिए, आपके पास दो इक्वेशन दी हुई हैं और इन इक्वेशनों को हम किससे सॉल्व कर रहे हैं? इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, माना इक्वेशन नंबर वन हो गई और ये क्या हो गई? इक्वेशन नंबर टू। अब हमें करना क्या है, एक बार में हमें या तो एक्स वेरिएबल को बराबर कर लेना है या क्या करना है, हमें वाई वेरिएबल को बराबर करना है, यही तो करना है। ठीक है ना, तो अब अगर मैं एक्स वेरिएबल को बराबर करना चाहूं दोनों इक्वेशन के अंदर, तो मुझे इक्वेशन नंबर वन में कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी? खड़ा होके बताओ, थ्री की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्री, बट आपको स्टेटमेंट लिख के लिखना, ध्यान रखना। ठीक है ना, और इक्वेशन नंबर टू में टू की मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दो हमारी इक्वेशन नई बन आ जाएंगे, नई इक्वेशन बन जाएंगे ना। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगी, देखो, थ्री टू जा सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई प्लस क्या हो जाएगा, 15 इजकल टू जीरो, यही बनेगी। और फिर क्या हो जाएगी, यहां से टू की अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स एक्स माइनस टू टू जा फोर वाई माइनस क्या हो जाएगा आपका, 24 इजकल टू जीरो, ये हो जाएगी। अब अगर ये हो गई तो मैंने क्या करा, यहां पर माइनस लगाया, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस। एक्स वेरिएबल क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया, एक्स हमने क्या करा, कैंसिल कर दिया। ठीक है, एक्स कैंसिल। अब देखिए, एक्स वेरिएबल हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या है यहां से, अब देखिए 9y और प्लस क्या है 4y, 9 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, कितना, 13। तो चलिए कर दीजिए 13y। अब दोनों को अगर मैंने प्लस करा तो कितना हो गया, कितना हुआ, 39 प्लस के 39 इक्वल टू 0। आप चाहते तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते थे, वहां पर भी आप इसे पक्षांतर कर सकते थे, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम यहां से, अगर मैं यहां से करूंगा तो क्या हो जाएगा, 13y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म करता हूं तो साइड चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 39, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 39 अपॉन 13 और कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना आ गया, माइनस के 3। तो बेटा y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 3। ठीक है, अब क्या करना है, y की वैल्यू के साथ क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन के अंदर इसे हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन पुट कर दीजिए, किस में करें, इक्वेशन नंबर वन में, इक्वेशन नंबर टू में, बताओ, किसी में भी कर दीजिए जो आपको सहूलियत लगे। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर चलो टू में कर देते हैं। तो स्टेटमेंट लिख लो, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर टू। तो टू में पुट करोगे तो टू हमारी इक्वेशन क्या आती, 3x माइनस टू वाई माइनस के 12 इक्वल टू क्या थी, जीरो, यही तो थी हमारी वैल्यू। अब हमने क्या करा, यहां पर y की वैल्यू पुट करी है, तो 3 इंटू एक्स तो यही रहेगा, माइनस टू इंटू y की वैल्यू क्या आई है हमारी, माइनस के 3, माइनस के 3 वैल्यू है, हम यहां पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस 3 और माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो 3x माइनस इंटू माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। अब 3 2 जा क्या हो गया, 6 माइनस 12 इक्वल टू जीरो, 3x प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, यानी माइनस 6 इक्वल टू जीरो, 3x इक्वल टू, ट्रांसफॉर्म कर दिया, साइड चेंज होगी, प्लस में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 3, कैंसिल आउट कर दोगे क्या हो जाएगी, 2। जरा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, तो आपकी x की वैल्यू क्या बनी है, 2 और y की वैल्यू क्या आई है, माइनस 3। ठीक है, आंसर शीट में क्या आ रहा है आंसर, चलो हम एक काम करते हैं, अगर हमारे पास में आंसर शीट नहीं है, क्योंकि अगर हम सपोज करते हैं हम एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर चेक आउट करना पड़ेगा, तो चेक करके देख लेते हैं। तो चेक करें तो क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2x प्लस क्या थी, 3y, अब यहां पर ये क्या है, प्लस, तो उधर साइड चेंज करने पे क्या होता, माइनस आना चाहिए था, तो हम पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, माइनस
थ्री इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस फाइव आना चाहिए। टू टू जा क्या हो गया फोर, थ्री थ्री जा क्या हो गया नाइन, माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस नाइन, इक्वल टू क्या आना चाहिए था फाइव। अब फोर में से आपने नाइन माइनस करे तो कितने आए माइनस के फाइव, तो यानी माइनस फाइव इक्वल टू क्या आ गया माइनस फाइव। ठीक है, तो हैप्पी बाबू सही है अंदर, वेरीफाई हो गया, डन आनंद डन। आप तो कह रहे थे कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। निकल गया था तो तुम टाइम पास कर रहे थे। अच्छा के चलो पूछा, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लो।